गुरुआ की पाठशाला खुलरी जित भोजन वजन हमेश पिया ओ भजन रागनी ब्रह्म ज्ञान की ओ संतों के उपदेश पिया गुरुआ की पाठशाला खुल रही चित भोजन वजन हमेश पिया गुरुओं की पाठशाला खुल रही जित भोजन वजन हमेश पिया भजन रागनी ब्रह्म ज्ञान की जित ओ संतों के उपदेश पिया। पहली गली में इसकी एक शाखा, इसकी एक ब्रांच, जो प्रथम इसकी ब्रांच है वो भिवानी के अंदर है। कहाँ है, क्या उसका एड्रेस है, इससे जो पहली पाठशाला उसका एड्रेस दिया है कविराज ने, क्या लिखा है पहली गली में। श्रीमान जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम। ओ प्याणी त चल पूरव की डब उमरावत एक गांव मिले बाई पास की जड़ में बने बड़े गजब का दाम मिले गुरु जी की पाठशाला लिखा होया ओड़ा नाम मिले हरि ओम का उच्चारण होता हर पल आठो याम मिले हर पूर्ण मसी सत्संग हो हर पूर्ण मसी सत्संग हो कर संत मंत दरवेश पिया भजन रागनी ब्रह्म ज्ञान की हो संतों के उपदेश पिया गुरु जी पाठशाला खुल रही हो पहली पाठशाला तो भिवानी के अंदर उमरावत गांव में, और दूसरी ये दूसरी पाठशाला श्याम नगर के अंदर कौशली के नजदीक। दूसरी में क्या बताया कवि ने, क्या लिखा है, बहुत अच्छे उस्ताद जो पाठशाला उमरावत में बनगी जिला भिवानी में दूजी बनगी कौशली श्याम नगर की ढाणी में आनंद का आवास होवे अड़े सतगुरुओं की बाणी में नितानंद कबीर के दोहे कवियों की बात पुरानी में और तू भी कि मैं सुना जानते तू भी कि मैं सुना जानते ओ करिए सभा में पेश पिया उपदेश उपदेश पाठशाला
ये इस गांव के सरपंच सुरेंद्र जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम। सुशील यादव जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम। 100 रुपए से अंकल जी मान सम्मान करते हैं बार बार प्रणाम। पहली पाठशाला उमरावत बनगी जिला भिवाणी में, दूसरी बनगी कोसली श्याम नगर की ढाणी में, आनंद का आवास हुआ फिर सतगुरुओं की वाणी में, नितानंद कबीर के दोए कवियों की बात पुरानी में बोली, तू भी किमें सुना जाना था करिए सभा में पेश पिया, भजन रागनी ब्रह्म ज्ञान की और संतों के उपदेश पिया। ये पाठशाला इसलिए खोली गई कि भजन बंदगी करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाओ। उमरावत में अनेकों बच्चे आते हैं, आप भी अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजो और अच्छे संस्कार सिखाओ। तीसरी कली में क्या भाव दर्शाया कविराज ने, क्या लिखा है हमारे गुरुजी श्री विकास शर्मा जी, उनके बड़े भाई हमारे गुरुजी देवेंद्र शर्मा जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम। हरि ओम गुरु जी। ये हमारे गुरु जी के मंजले भाई आद्य सतेंद्र सरपंच जी, गुरु जी 1000 रुपए से मान सम्मान करते हैं एक बार, जोरदार ताड़ियां गुरु जी के परिवार के लिए सभी बजाएंगे। तीसरी कली में क्या भाव दर्शाया कवि ने, क्या लिखा बहुत अच्छे। ओ भजन बंदगी बनी रहे जब हरि ओम का जाप करा, सतपुरुषों की बाणी सुन सुन दूर जिगर के पाप करा, कमती बत्ती नहीं तोल मैं पर पर पूरा नाप करा, हो जा दया श्री कृष्ण की जब इतनी मेहनत आप करा, बह गंग सी दार गरा, बह गंग सी दार गरा, फिर मिट जा सभी कलेश पिया, उपदेश पिया उपदेश इवा आखरी कली का जिक्र, जहाँ से हमारी प्रणाली चली और जहाँ से सारा सिलसिला चला, हमारे दादा गुरुजी श्री रणबीर बड़वासनिया जी स्टेज पर बैठे हैं, एक बार जोरदार ताड़ियों से दादाजी का स्वागत करेंगे। हमारे गुरुजी श्री विकास पासोरिया जी भी स्टेज पर बैठे हैं, एक बार न्यू नहीं जी सही बजाओ, प्रेम से बजाओ, एक बार सभी जोरदार ताड़ियों से स्वागत करेंगे। आखिरी कली में गुरुओं के बारे में कविराज ने क्या महिमा दिया, क्या भाव दर्शाया, क्या लिखा बहुत अच्छे। जगन्नाथ की प्रणालिया शुरू होई समझाने ते, रणबीर सिंह की धूम मचगी जो करते दंगल गाने ते, स्वर्ग सजा होया राहुल का गुरु विकास के पाने ते, सात कोश मुंडाल का लागे तालू हो के जाने ते।
ओ पूरा बीच राम जसके मिल जा, पूरा बीच राम जसके मिल जा, कर रह नहीं कुछ शेष पिया, संतों के उपदेश पिया, गुरुआ की पाठशाला खुल रही, भजन भजन हमें सब पिया, भजन भजन हमें सब पिया।